रीबर्थ से जुड़ी ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एन फ्रैंक एक जीविश गर्ल थी जो किसी अटैक में मारी गई थी। 1944 में उसकी डेथ हो गई थी। एन फ्रैंक के डेथ के 10 साल बाद स्वीडन में एक बैरबो कैलिन नाम की लड़की का जन्म हुआ। बैरब्रो को अपने बचपन में काफी अजीब अजीब सपने आते थे। जब वो 3 पेरेंट्स ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एन बताया। सच्चाई तो तब बाहर आई जब बैरब्रो की फैमिली एमस्टरडैम गए थे। एमस्टरडैम में बैरब्रो ने अपने परिवार वालों को बोला कि उसे घर जाना है, उसका घर पास में ही है, और अपने परिवार वालों को उसे फॉलो करने के लिए कहा। जब उन्होंने उसे फॉलो किया तो वो एक घर के पास पहुंचे। एन फ्रैंक का ही घर था। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या सही में रीबर्थ जैसी चीजें एक्सिट करती हैं? इस वीडियो को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको इसका